आज हम आए हुए हैं नुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पजराव में, जो छत्ता बराड़ी पड़ता है। आज हम आपसे मिलाते हैं सरपंच पद पे मानती देवी, उनके प्रतिनिधि राजेश कुमार हैं, राजेश यादव। इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है, जो मान लीजिए कि पंचायत चुनाव लड़ने में। बोलिए। सर्वप्रथम पजराव पंचायत की सभी जनता को मैं अंतरात्मा से प्रणाम सलाम करता हूं। साथ ही साथ मैं संदेश देने जाता हूं पूरी जनता को, या पजराव पंचायत के सभी हमारे सम्मानित अभिभावक एवं मतदातागण, कि आज चुनाव चल रहा है, चुनाव में बहुत लोग हैं, चुनाव के समय में आकर के हृदय सम्राट बन जाते हैं, समाजसेवी बन जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद इनका आता पता कहीं नहीं रहता है। हम जब से राजनीति में आए हैं, जब से चुनाव लड़ रहे हैं, या जब से हम होश संभाले हैं, समाज में एक समाज सेवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया हूँ। समाज का सेवा ही मेरा मूल धर्म है। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि जनता, ये चुनाव है, इसमें जनता को गुमराह करने के लिए लोग तरह तरह का झांसा देंगे, तरह तरह का लोग लुभावना देंगे तथा तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन जनता अपने दिलो दिमाग को स्थिर करके और विचार करके मतदान करें, ताकि 5 बरस बहुत अमूल्य समय होता है, और अगर गलत निर्णय जनता लेगी, गलत प्रतिनिधित्व का चुनाव कर देगी, तो फिर 5 बरस उसको कष्टमय तरीके से बिताना पड़ेगा। बीच में एक बार जनता सरपंच पद पर एक प्रतिनिधि को चयनित की हुई है जी, और उसका सबको अनुभव भी है, जबकि मैं 2 बार पजराव पंचायत में सरपंच पद पर एक प्रतिनिधि को चयनित की हुई है जी, और उसका सबको अनुभव भी है, जबकि मैं 2 बार पजराव पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, और इससे जनता वाकिफ है। मुझे अपने विषय में कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना है कि अपने मुंह बड़ी बात, ये नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के समझ में हमारा कार्यशैली अच्छा लगे, तब वो अच्छा माना जाएगा। हम अपने से कहें कि हम बहुत बड़ा समाज सेवी हैं, या बहुत बड़ा हम जो है अनुभवी हैं, तो ये बात अच्छा नहीं। अगर आपको जनता ताज देती है, तो आप जनता के बीच कैसे खरा उतरिएगा? जैसे हम 2 बार जनता की सेवा किए हैं, आगे समय में भी जनता की सेवा करेंगे, और उसमें जाति पात ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठ करके हम सेवा करेंगे और करते भी हैं। लग रहा है कि सरकार कुछ विशेष अधिकार देने जा रही है इस बार जी। अभी तक तो हमको विकास कार्य में कोई मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार लग रहा है कि विकास कार्य में भी कुछ देखरेख करने का मौका मिलेगा। तो अगर मौका मिला तो मैं एक मिसाल कायम करूंगा, और उसमें मैं ईमानदारी पूर्वक जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा उसका निर्वहन करूंगा। ग्राम कचहरी में अगर जनता आती है, तो उसे न्याय कैसे दिलाएगा? हमारा मूल प्रयास ये होता है कि जनता यहीं पर अपना समझ बूझ करके मामला शांत कर ले, इसलिए कि हम लोग गाँव में बसे हुए हैं, और गाँव की जनता बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर हम कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, तो बरसों हम वहाँ लड़ते भिड़ते रह जाते हैं, और न्याय के रूप में कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में आकर के समाज में ही हमको अपना निदान मिल पाता है। फिर आपसे पूछते हैं कि मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मतदाताओं को यही संदेश देना चाहते हैं हम
कि अपना बहुमूल्य मत है, इसको सोच समझ करके और आप अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें। क्या आप किस पद पर नियुक्त हैं? सरपंच। अच्छा, आप महिला हैं, महिला के सम्मान के लिए आप क्या कीजिएगा? जानेंगे कि महिला समाज में हूँ मैं और शिक्षित व आत्मनिर्भर हूँ। अगर ये महिला है, महिला क्या आप किस पद पर नियुक्त हैं? सरपंच। अच्छा, आप महिला हैं, महिला के सम्मान के लिए आप क्या कीजिएगा? जानेंगे कि महिला समाज में हूँ मैं और शिक्षित व आत्मनिर्भर हूँ। अगर ये महिला है, महिला को अगर मान लो कि सम्मान मिलता है तो ये महिला के उत्थान के लिए क्या कीजिए? महिला के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे कि हर महिलाएं आत्मनिर्भर हों, हर महिलाएं शिक्षित हों और समाज में आगे आकर के अपना जो है अहम भूमिका निभाएं। सरपंच जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है नली गली शौचालय, ये बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार दिख रहा है, इस पे क्या कहना आपको? देखिए, पीछे तो हमको इसमें कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि सरकार का आदेश था कि किसी लोक सेवक पर बात नहीं लेना है या उसके विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, जिससे हम इधर नहीं जा पाते थे, क्योंकि कार्यक्षेत्र मेरा नहीं था। ये तो दूसरे विभाग का चीज है, मुखिया और बीडीसी का ही काम था। जी जी। लेकिन अगर मुझे उसमें देख रेख करने का मौका मिला तो हम अपने गांव में 3 पानी टंकी अपने देख रेख में हम लगवाए हुए हैं, जिससे यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं, और जगह लगा है लेकिन हमारे यहाँ फिल्टराइज पानी सबको मिलता है और उसमें जो है सभी के घर तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया गया है। उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, जैसे कि हम लोगों का गांव ऊंचा नीचा है, कुछ लोग पाइप निकाल देते हैं, कहीं पाइप कट गया है तो कुछ लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन ये तो मान लीजिए कि उस विभाग का कमी है। हम अपने स्तर से यही चाहेंगे कि हर गांव की हर गली पक्की हो जाए, शौचालय सबके घर में हो जाए, है भी लेकिन कुछ लोगों के घर में नहीं है, अभी महिलाएं बाहर जाती है। जी, जबकि ये आदम जमाने की परंपरा रही है बाहर जाने वाली, और हर परंपरा में सुधार हुआ है। मान लीजिए कि हम पहले जैसा कपड़ा पहनते थे आज नहीं पहन रहे हैं, पहले जैसे घर में रहते थे आज वैसे घर में हम नहीं रहे हैं, लेकिन आज शौचालय जो पुराने जमाने की परंपरा है बाहर जाना वही चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। हम चाहेंगे कि बाहर में कोई शौच करने के लिए न जाए। आइए, हमारे समय के लिए महत्वपूर्ण अपना समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।